good morning student myself chirag sukhani from rafel bba college wapi and i'm going to teach you financial management subject and we will continue our first our chapter that is dividend policy and the topic is what walter's model of dividend policy now in earlier video i discussed about what, uh, what is walter model now, walter model is what uh, relevance

डिटरमाइन ऑप्टिम डिविडेंट पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के ओके सोम लोग ने देखा कि इफ आर इज ग्रेटर देन के तो क्या होगा कि फर्म इज एबल टू अर्न मोर देन वॉट द शेयर होल्डर्स कुड एक्सपेक्ट ओके सो केसेस में क्या करना चाहिए अर्निंग्स नहीं देना चाहिए टू द शेयर होल्डर्स एंड नेक्स्ट आर इज लेस धन के तो शेयर होल्डर्स कैन अर्न हायर रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स ओके देन आफ्टर वॉल्टर मॉडल ने थ्री कैटेगरीज ऑफ कंपनी डिटरमाइन की बाय कंपेयरिंग आर एंड के इफ आर इज ग्रेटर देन के सो फॉर्म इज नोन एज वॉट ग्रोइंग फॉर्म नो ग्रोइंग फॉर्म में आर इज ग्रेटर देन के मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर सो so, वो केसेस में क्या करना चाहिए फर्म का वैल्यू द फॉर्म विल मैक्सिमाइज द वैल्यू पर शेयर इफ द कंपनी फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग ऑल द अर्निंग ओके यानी फॉर अ ग्रोइंग फॉर्म ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या था जीरो परसेंटेज यानी कुछ भी देना नहीं चाहिए डिक्लाइनिंग फॉर्म क्या होती है आर इज लेस देन के एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म इन्वेस्टमेंट इज लेसर देन

जो नॉर्मल फॉर्म है सो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि देर इज नो एनी ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी और नो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रिश्यू बिकॉज फॉर अ नॉर्मल फॉर्म डिविडेंड पॉलिसी आइदर और डिविडेंड पे आउट रिश्यू आइदर जीरो या हो द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल रिमेन कॉन्स्टेंट सो देर इज नो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी और डिविडेंड पे आउट ओके फिर हम लोग ने पढ़ा कि वॉल्टर मॉडल इज बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पन कि कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं होना चाहिए ओके आर एंड के कॉन्स्टंट होना चाहिए ईपीएस एंड डी पी एस बी कॉन्स्टंट होना चाहिए एंड फॉर्म हैव द परपेचुअल लाइफ सो टूडे इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट क्रिटिसिज्म फॉर्मूला एंड द इफेक्ट नाउ क्रिटिजिज्म ऑफ वॉल्टर्स मॉडल नाउ फर्स्ट क्रिटिजिजम दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू ऑल इक्विटी फॉर्म नाउ कैसे वॉल्टर्स मॉडल एज्यूम दैट्स इन्वेस्टमेंट आर फाइनेंस ओनली थ्रू द रिटेन अर्निंग दैट मीन्स नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज यूज यानी कंपनी डिबेंचर डेप यूज नहीं करती है सो so, ये मॉडल कौन यूज कर सकता है दिस मॉडल वुड बी ओनली एप्लीकेबल टू ऑल इक्विटी फॉर्म स मॉडल इट इज यूज इट इज एप्लीकेबल टू ओनली इक्विटी फॉर्म बिकॉज ऑल फाइनेंस इज़ देश थ्रू द रिटेन अर्निंग कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंस और न्यू इक्विटी रेस करना नहीं सो दिस मॉडल वुड बी ओनली एप्लीकेबल टू ऑल इक्विटी फार्म क्रिटिजिज्म कॉन्स्टंट रेट ऑफ रिटर्न आर आर कॉन्स्टंट है ना दिस मॉडल एज्यूम दैट के आर इज कॉन्स्टेंट रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फॉर्म इन्वेस्टमेंट इज वॉट कॉन्स्टेंट बट दिस इज नॉट अ रियालिस्टिक एसम्शन बिकॉज वेन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट आर मेड बाय दम ना आर ऑल्सो चेंज यानि फॉर्म जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा जितना इंक्रीज इन्वेस्टमेंट होगा फॉर्म के लिए आर बी चेंज होता जाएगा एंड इनफैक्ट आर डिक्रीज इज एज मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इज मेड क्या होता है इनिशियल स्टेज में फॉर्म प्रोजेक्ट uh, में इन्वेस्ट करता है उसका रेट ऑफ रिटर्न हाई रहता है फिर बाद में दूसरा प्रोजेक्ट होता है उसमें थोड़ा बहुत कम हो जाता है और इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिटर्न कम सो so, जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता जाएगा आर चेंज होगा एंड जनरली आर डिक्रीज होगा जैसे मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इज मेड

सो so, रिटर्न भी हायर होगा सो शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगा कि रिटर्न ज्यादा मिलेगा सो जनरली के कांस्टेंट नहीं होता है के चेंज होगा विद द होम रिस्क सो क्रिटिसिज्म इज नथिंग बट जो एजम्पन्स से अल्टीमेटली इज व्हाट क्रिटिसिज्म क्लियर नेक्स्ट इज फॉर्मूला एकदम अच्छे से आपको समझना है और ये याद रखना है बिकॉज ये एक ही फॉर्मूला है जो आपको सम्स में यूज करना है ओके सो फॉर्मूला इज वॉट P P इज इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के ई इंट ब्रैकेट ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई हियर P इज वॉट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर यानी प्राइस ऑफ द शेयर जो आपको कैलकुलेट करना है P मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डी इज वॉट डिविडन पर शेयर डी पी एस और डिविडन पर शेयर देन ई इज वॉट अर्निंग पर शेयर नाव डिविडन पर शेयर अर्निंग पर शेयर मैंने आपको समझा दिया है ओके सिर्फ फॉर्म का टोटल अर्निंग अर्निंग पर शेयर है टेन रूपीज सो टेन इज वॉट अर्निंग पर शेयर नाव टेन में से फॉर्म ने फाइव रुपीज डिविडेंट दिया है तो so, क्या होता है आपका डिविडन पर शेयर सो डी इज डिविडन पर शेयर एंड ई इज वॉट अर्निंग पर शेयर आर एंड के भी हम लोग ने पढ़ लिया आर इज वॉट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड हियर के बाद ई e लिखा।, e लिखा यहाँ पे जनरली फॉर्म कोई एक्सटर्नल फंड फॉर्म एक्सटर्नल फंड तो लेते ही नहीं है डेप तो लेते ही नहीं है फॉर्म खाली इक्विटी फॉर्म है ना so यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको लेना है दस्ट ऑफ इक्विटी सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑब्लिक कैपिटलाइजेशन रेट ऑब्लिक रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न सो फॉर्मूला एकदम केयरफुली समझना है कि पी इज वॉट पी इज इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के ई ब्रैकेट ई माइनस डी अपॉन के क्लियर नाउ ये पूरा ओवरव्यू है दैट इज इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन वैल्यू ऑफ द शेयर रिस्पेक्टिवली फॉर ग्रोइंग फॉर्म डिक्लाइनिंग फॉर्म इन दी नॉर्मल फॉर्म ओके नोइंग फॉर्म क्या है डिक्लाइनिंग फॉर्म इन नॉर्मल फॉर्म आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है इफ आर इज ग्रेटर ऑन द फॉर्म इन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट इज हायर देन द रेट विच इज एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड इज वॉट ग्रोइंग फॉर्म डिक्लाइनिंग फॉर्म डलाइनिंग फॉर्म इज वॉट आर इज लेस देन के यानी फर्म्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज लेसर देन दी कॉस्ट ओके यानी शेयर होल्डर्स ज्यादा एक्सपेक्ट करता है और फर्म रेट ऑफ रिटर्न कम दे रही है सो दिस फर्म इज कॉल्ड इज वॉट डिक्लाइनिंग नॉर्मल मतलब आर इज इक्वल टू के यानि जितना फर्म इन्वेस्ट किया उतना ही शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिला था सो आर इज इक्वल टू के तो ग्रोइंग फॉर्म में डिक्लाइनिंग फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म है तो डिविडन पॉलिसी वैल्यू ऑफ द फॉर्म के ऊपर कैसे अपेक्ट करेगा वो आपको समझना है क्या दिख रहा है डिविडन पे आउट रेशियो डिक्रीज नाउ ग्रोइंग फॉर्म है ग्रोइंग फॉर्म है अगर डिविडेंट पे आउट रेशियो इंक्रीज करेंगे नाउ फर्स्ट एलमी के ग्रोइंग फॉर्म है ग्रोइंग फॉर्म उसका ऑप्टिम पे आउट रेशियो कौन कितना होगा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट इश्यू क्या होगा ग्रोइंग फॉर्म के लिए जीरो परसेंटेज ग्रोइंग फॉर्म के लिए ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट इश्यू क्या होगा जीरो यानी कुछ भी शेयर होल्डर्स को देना नहीं चाहिए तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज करेंगे इंक्रीज सो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर क्या हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर डिक्रीज यानी कुछ भी देना नहीं चाहिए बट अगर फॉर्म देगी डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज करेगी तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीज करता जाएगा कम करेंगे जितना कम करेंगे उतना मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा क्लियर डेट इज सो ग्रोइंग फॉर्म के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो जीरो परसेंटेज है तो कुछ भी ना देंगे तो शेयर होल्डर्स का वैल्यू बढ़ेगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ेगा तो जितना पे आउट रेशियो डिक्रीज करेंगे सो मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगा पे आउट रेशियो इंक्रीज करेंगे तो मार्केट वैल्यू डिक्रीज होगा ये सब आपको याद रखना है ये सब आपको याद रखना है बिकॉज ये हम लोग को सम्स के आंसर को टैली करने में यूज होगा कैलकुलेशन आप जब करेंगे ना उसका जो आंसर सही है या नहीं है ना हम लोग यहाँ से टैली कर पाएंगे सेकंड इज वॉट डिक्लाइनिंग फॉर्म नाउ डिक्लाइनिंग फॉर्म क्या है आर इज लेस देन के यानी रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज लेसर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओके नाउ डिक्लाइनिंग फॉर्म के लिए ऑप्टिम पे आउट रेशियो क्या है हंड्रेड परसेंटेज होल्डर्स को पे कर देना चाहिए ओके okay, तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज करेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज करेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज करेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर भी क्या होगा इंक्रीज होगा फॉर द डिक्लाइनिंग फॉर्म ओके एंड पे आउट रेशियो डिक्रीज करेंगे कम देंगे तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ओके सो डिक्लाइनिंग फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए ज्यादा दे देना चाहिए दैट इज हंड्रेड परसेंटेज सो पे आउट बढ़ाएंगे तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगा एंड पे आउट कम करेंगे तो मार्केट वैल्यू भी कम होगा एंड थर्ड इज नॉर्मल फॉर्म कुछ अफेक्ट होता ही नहीं है आर इज इक्वल टू के सो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट कब आउट इश्यू इंक्रीज करे या पी आउट रिश्यू डिक्रीज करें मार्केट वैल्यू रिमेनिंग कॉन्स्टेंट ओके सो देर इज नो ऑप्टिम पी आउट रिश्यू देर इज नो ऑप्टिम पे आउट रिश्यू फॉर दॉर्मल फॉर्म ओके सो दिस इज ऑल अबाउट वॉल्टर्स मॉडल नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट कैल्कुलेशन पार्ट ओके तो हम लोग सम्स कैलकुलेट करेंगे आयासन में सो so, ये सब फॉर्मूला ये सब ब्रीफ में आप अपने नोट्स बुक में डिक्टेट कर लेना समझ के क्लियर बाय टेक केयर